बड़सर विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने केंद्रीय बजट के ऊपर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हिमाचल के लिए इस बजट में झुनझुना मिला है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस बार भी देश की जनता को छला है और भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है। सरकारी उपक्रमों को निजी क्षेत्रों में बेचना, जैसे LIC, IDBI, जिसमें लोगों की पूंजी जमा है, उनको बेचना अति दुर्भाग्यपूर्ण है। टैक्स स्लैब में भी दो तरह के विकल्प आमजन को टैक्स पेड करने में भ्रमित करने वाले हैं। इस बजट का उद्देश्य केवल पूंजीपतियों को लाभ देने वाला है। और रही हिमाचल की बात, हिमाचल से 4 सांसद भाजपा से चुनकर गए हैं। वह भी हिमाचल की पैरवी करने में हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा करने वाली सरकार इस बार भी दोबारा थक गई। युवाओं के रोजगार के लिए कोई भी महत्वपूर्ण योजना इस बजट में नहीं लाई गई। हिमाचल प्रदेश की रेल लाइन की बात करने वाले हिमाचल के लिए सिर्फ एक जुमला ही साबित होगा। प्रदेश के लिए 65 राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा पर आज तक जुमलों से अधिक कुछ नहीं मिला। आर्थिक मंदी झेल रहे उद्योगों को या बंद पड़े उद्योगों को इस बजट में कोई राहत नहीं मिली। 100 स्मार्ट पर कोई बात नहीं, इस बजट को अर्थशास्त्रियों ने भी ठुकरा दिया है। किसानों को भी इस बजट के माध्यम से सिर्फ लॉलीपॉप ही दिया गया है और ये बजट महंगाई पर लगाम लाने के लिए भी निराशजनक है। उसके बारे में कोई सरकार का स्पष्टीकरण इस बजट में देखने को नहीं मिला है। तो यदि देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में भी और सरकारी संस्थानों में 2 लाख से अधिक नौकरी देने की सरकार बात कर रही है, जो एक समझ से परे की बात है। क्योंकि सरकारी क्षेत्र से जो रिटायरमेंट हो रहे हैं, सेवानिवृत्त हो रहे हैं कर्मचारी, उसकी जगह जो है सरकार की कोई स्पष्ट नीति नहीं है। एक तरफ तो सरकार LIC जैसे महत्वपूर्ण, IDBI जैसे महत्वपूर्ण, जो हमारे लोगों के पैसा जहाँ पूंजी जो जमा है, उनकी मेहनत की कमाई जो जमा है, उसके ऊपर डाका डाल रही है सरकार, और एक विचित्र सा संदेश देने की कोशिश कर रही है कि निजीकरण की तरफ जो इतनी तेजी से जो बढ़ रही है सरकार, वो केवल मात्र बड़े पूंजीपतियों को जो उसका लाभ देने का एक महज औपचारिकता पूरी कर रही है सरकार। इस बजट को जो है, जो देश के जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने भी इसको नकारा है। वित्त मंत्री महोदय ने जो टैक्स स्लैब में जो 2 तरह के विकल्प आम जनता के सामने रखे हैं, टैक्स पेयर्स के सामने, वो भी आम जनता को भ्रमित करने वाले हैं। अब जनता ये सोच रही है कि हम कहाँ जाएं और किस प्रकार के टैक्स में को अपनाएं, पूर्व पहले वाले को अपनाएं या नए वाले को अपनाएं, क्योंकि इससे जहाँ पर राजस्व को हानि होनी है और केंद्र सरकार पहले ही जो आर्थिक मंदी से जूझ रही है, आर्थिक संकट देश के सामने है, उसके बारे में इस बजट में कोई स्पष्ट समाधान नज़र नहीं आता है। एक तोड़ मरोड़ के आंकड़ों के जाल में, एक लंबे भाषण के चलते जो है उन्होंने आंकड़ों के हिसाब से लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की है और उसमें वो पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाई है। और मैं समझता हूँ कि आज के समय में जो सबसे बड़ा मुद्दा देश में जो आर्थिक संकट है, उसको कैसे उसे उभरना है, और देश में जो बेरोजगारी का जो जहर हमारे नौजवान युवा पी रहे हैं, उसकी तरफ सरकार की तरफ से कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। क्योंकि आज दूसरे जो ओल्ड पेंशन स्कीम की जो एक बड़ी गंभीर मामला है और एक गंभीर मांग है कर्मचारियों की, उसके बारे में भी सरकार ने इसमें मूक दर्शक का जो है अपना रोल अदा किया है, जो एक निंदा का कारण हो सकता है। क्योंकि जो एक सामाजिक जो हमारा ताना बाना है और जो आज नौजवान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, पढ़े लिखे नौजवान, उनको नौकरी नहीं मिल रही है या फिर अधिकांश जो कारखाने बंद हो गए हैं, उसकी वजह से जो बेरोजगारी की जो दशा तैयार हुई है, उसके चलते जो है हमारे नौजवान आज विचित्र सी परिस्थिति में घूम रहे हैं। केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केवल मात्र धर्म के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश कर रही है, और जो एक बजट से पूरे देश का जो परिदृश्य सामने रखना चाहिए था, उसके बारे में कोई बात जो है बजट में देखने को नहीं मिली है। PLTV के लिए हमीरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।